प्यारे बच्चों, आज हम लोग शब्द विचार के विषय में पढ़ेंगे। अध्याय 3, शब्द विचार। शब्द किसे कहते हैं? एक या अनेक वर्णों की स्वतंत्र और सार्थक ध्वनि को शब्द कहते हैं। जैसे घर, छाता, हवा, भारत, अशोक इत्यादि। शब्द वर्गीकरण अर्थ के आधार पे शब्द के दो भेद होते हैं। पहला सार्थक शब्द, दूसरा निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द के भी दो भेद होते हैं, क व्युत्पत्ति के आधार पे, ख स्रोत के आधार पे। व्युत्पत्ति के आधार पे शब्द के तीन भेद होते हैं, पहला रूढ़ी, दूसरा यौगिक, तीसरा योग रूढ़ी। स्रोत के आधार पे शब्द के चार भेद होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। बच्चों, सार्थक शब्द किसे कहते हैं? वे शब्द जिनसे किसी अर्थ का बोध हो, सार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे लोटा, कलम, पुस्तक, जल इत्यादि। दूसरा निरर्थक शब्द, जिन ध्वनियों का कोई अर्थ नहीं निकले उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे ल, ज, तालो, म, क, ल इत्यादि। बच्चों, व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के तीन भेद होते हैं। रूढ़ी शब्द का अर्थ है प्रसिद्ध। जो शब्द किसी विशेष अर्थ में रूढ़ हो गए हैं उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे पगड़ी, नमक, घोड़ा, जल इत्यादि। ख है यौगिक शब्द, वे शब्द जो दूसरे शब्दों के योग से बने हो यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे पाठशाला, विद्यालय, पान वाला। तीसरा है योग रूढ़ी शब्द, जो शब्द दो शब्दों के योग से बने किंतु उनका अर्थ किसी विशेष अर्थ में प्रचलित हो उन्हें योग रूढ़ ही शब्द कहते हैं।